आज का दिन स्मगलिंग की हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज आप लोगों ने मुझे वो इज्जत, वो रुतबा दिया है जिसे पाने के लिए दुनिया का हर स्मगलर बेकरार रहता है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे बिग मैन की पदवी से सम्मानित किया है। बिग मैन, बिग मैन, बिग मैन, बिग मैन, बिग। हाजरीन, इस खुशी के मौके को एक नाचती गाती रंगीन यादगार बनाने के लिए आपकी खिदमत में पेश है माला माला।
देखो ना नेताजी, एक कमिश्नर साहब ने हमारी जमीन बदमाशों से छुड़ा के मारा 10 करोड़ रुपए का फायदा किया। अब हम इनको एक मारुति कार देना चाहते हैं। लेकिन ये साहब है कि मारे से कार लेने को तैयार ही नहीं है। आपकी इस भेंट को लोग रिश्वत का नाम दे देंगे। वाह भाया वाह, पुलिस वाले होवे तो आप जैसे। लेकिन हम भी मात खाने वालों में से नहीं है। हम 5 लाख रुपया पुलिस वेलफेयर ट्रस्ट फंड में दे देंगे। ये तो रिश्वत ना होवे ना। देखो कमिश्नर साहब जी, आप मारुति कार लेवे ना लेवे, आपको 100 बरस तो लेना ही पड़ेगा। चलिए सेठ जी, ये ले लेते हैं। चीयर्स। हेलो बिग मैन, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारा करोड़ों का माल हमारे ही 5 आदमियों ने लूट लिया। कहाँ है वो महापुरुष? 4 आदमी हमारे कब्जे में है, अड्डा नंबर 2 पर। हमारे आने तक उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार करना। ऐसे महापुरुष रोज रोज नहीं आते। अच्छा। वो फॉरेन से कुछ VIP आए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो सेठ जी अब हम चले? अरे नहीं भाया नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन पिलाने के सब तौर तरीके जानू। एक गिलास तो दुश्मन पीवे हैं, दूसरा तो आपको पीना ही पड़ेगा। वो अंग्रेजी में कहवे है ना कि 1 for the road एंड 4 for the gutter। मैन के साथ गद्दारी, गद्दारी की सजा जानते हो? हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी बिग मैन। बरसों से हमारे साथ काम कर रहे हो, हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, फिर हमारे साथ गद्दारी क्यों की तुमने? शराफत की जिंदगी के लिए। वाह, शराफत की जिंदगी जीने के लिए गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? अरे हमसे कहते, हम तुम्हें शराफत से जीना सिखा देते। गद्दारी के पैसों से अगर तुम शराफत की जिंदगी खरीद सकते हो तो ले जाओ मेरा करोड़ों का माल और बिताओ शराफत की जिंदगी। शराफत की जिंदगी। कहा है माल हमारे हवाले कर दो देवा। दोस्त होने के नाते हम अपने हाथों से तुम्हारी जान नहीं लेंगे, और हो सकता है कि बिग मैन से पहली खता समझकर तुम्हारी जान बख्श दे। तुम्हारे बिग मैन से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, अगर दोस्ती की बात करते हो तो ये माल मैं तुम्हारे साथ आधा आधा कर सकता। सो बिग मैन का नमक खाकर यही सीखा है देवा। लेकिन याद रखो, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं दोस्त जहां से वापस लौटा नहीं जा सकता, समझे? और ये माल जिसका है
वही वापस जाएगा, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं। काट डालो साले को। सिंह, मैं तुम्हारा आभारी हूं। चलो, बारमैन, बारमैन क्या चाहिए? व्हिस्की। व्हिस्की? मिस्टर। अरे कौन? अजीत सिंह। आप मुझे जानते हैं? मैंने तो आपको इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा। मैं जिस इलाके में ड्यूटी करता हूँ वहां पर ब्लैक लिस्ट में रहने वाले हर इंसान की तस्वीर मेरे दिमाग में छप जाती है। व्हाट अ कंप्यूटराइज्ड ब्रेन, प्लीज्ड टू मीट यू। वो बैग कहाँ है? कौन सा बैग? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो अजीत सिंह, मैं जानता हूँ तुम स्मगलर हो। ठीक आधे घंटे पहले तुम हनुमान टेकरी के सामने पुलिस को नजर आए थे, तुम्हारे हाथ में एक बैग था, वो बैग कहाँ अजीत सिंह? कौन सा बैग? आप किस बैग की बात करते हैं? मैं दो घंटे यहाँ बैठा दारू पी रहा हूँ, पूरी बोतल में सटक गया। यकीन नहीं आता तो पूछ लो बारमैन से। क्यों भाई, बता दो इन्हें। ये आदमी कब से यहाँ बैठा है? साहब ये दो घंटे से इधर ही है, ठीक 10 बजे आया था, अब तो 12:15 बज गए साहब। हवलदार। जी साहब। इस बार की तलाशी लो, बैग यहीं कहीं होना चाहिए। यस सर। जब तक ये तलाशी लेते हैं साहब, एक एक बैग हो जाए। शट अप। साहब यहाँ कोई बैग नहीं मिला। कैसे मिलेगा, होगा तो मिलेगा ना, तलाशी ले लो। वैसे भी बिना सबूत मैं किसी पर हाथ नहीं डालता, लेकिन एक बात याद रखना अजीत सिंह, जब तक मैं इस इलाके में हूं कोशिश करना कि तुमसे कोई जुर्म ना होने पाए। जी जी। वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी थैंक यू जी, थैंक यू। चलो। मैं कोई काम करूंगा
तो ही सबूत छोड़ूंगा ना। देवा, तुमने सोचा नहीं कि पकड़े जाने की सजा क्या होती है? मौत। ये जानकर भी तुमने हमारे साथ नमक हरामी की? जिसे आप नमक कहते हैं वो जहर है बिग मैन, जहर। जहर हो या अमृत, तुमने अपनी मर्जी से खाया था। मैं तो इस शहर में इज्जत की रोटी कमाने के लिए आया था, मगर तुमने मुझे गुनाहों के दलदल में धकेल दिया, एक स्मगलर बना दिया। मगर पूजा के प्यार ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं शराफत की जिंदगी बसर करने के लिए अपने गांव लौट जाना चाहता हूं। कई रास्ते ऐसे होते हैं देवा, जहां से वापस लौटा नहीं जा सकता। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं बिग मैन, तुम भी नहीं। बिग मैन से गद्दारी करके तुम क्या समझते हो कि बच जाओगे, अपने गांव वापस लौटने में कामयाब हो जाओगे? नहीं, तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं पूजा, नहीं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन ये मंजूर नहीं। गीदड़ भी शेर की तरह गुर्रा रहा है। अगर आप देवा की जान बख्श दें तो आप जो कीमत कहे मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। बेवकूफ लड़की, तेरे पास है ही क्या जो तू कीमत अदा कर सके? कुछ तो होगा जिसे देखकर तुम्हारे देवा जैसे वफादार आदमी की नीयत टोल गई। हमने तो तुझमें ऐसा कुछ नहीं देखा जिसे देखकर आदमी की नीयत डोल जाए। जो दिखाया नहीं गया उसे आप देख कैसे सकते हैं? बड़ा गरूर है तुझे अपने ऊपर। गुरूर नहीं, विश्वास। वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नीयत ना डोली हो। वो आदमी आदमी ही क्या जिसकी नीयत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए? वो लड़की लड़की ही क्या जो बड़े से बड़े आदमी की नीयत को डोलने पे मजबूर ना कर दे। हमारी नीयत अगर डोल जाए तो हम जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। अभी मालूम हो जाएगा। कैसे? कितना हसीन है शबाब, देखोगे तब जानोगे। कहां कहां खिलते हैं गुलाब, छूओगे तब जानोगे। कितना हसीन है शबाब, कितना हसीन है शबाब, देखोगे तब जानोगे। आहा आहा, कहां कहां खिलते हैं गुलाब, कहां कहां खिलते हैं गुलाब, छूओगे तब जानोगे। आहा आहा, कितना हसीन है शबाब, देखोगे तब जानोगे। कहां कहां खिलते हैं गुलाब, छूओगे तब जानोगे। आहा 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 आहा। कैसी दीवानी हूँ मैं कौन पहचाने, जिसने दीदार किया बस वो ही जाने। कैसी दीवानी हूँ मैं कौन पहचाने, जिसने दीदार किया बस वो ही जाने। किसे कहते हैं जनाब, हार किसे कहते हैं जनाब, खेलोगे तब जानोगे। आहा आहा आहा। Thank you.
जमाने तू क्या जाने क्या है मोहब्बत, मरने वाले से पूछो जीने का मतलब। दीवाने तू क्या जाने क्या है मोहब्बत, मरने वाले से पूछो जीने का मतलब। आँखों में भी होती है शराब, पियोगे तब जानोगे। आहा आहा कितना हसीन है शबाब, देखोगे तब जानोगे। आहा आहा कहाँ कहाँ खिलते हैं गुलाब, छुओगे तब जानोगे। आहा 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 तुम्हारे सारे डाकू, तोमर सिंह, पोपट सिंह, मनोहर सिंह, रब्बर सिंह, गब्बर सिंह, ये सारे सिंह मुझसे डरकर चूहों की तरह अपने बिलों में घुस जाया करते थे। अच्छा। 50-50 कोस दूर जब चंबल के बिहड़ों में किसी डाकू का बच्चा रोता था, तब उसकी माँ उसे कहती थी, सो जा बेटे, चुप हो जा, नहीं तो सब इंस्पेक्टर माथुर आ जाएगा। तो क्या बच्चे चुप हो जाते थे? चुप! अरे कई तो गूंगे हो गए, और आगे सवाल मत पूछना, नहीं तो तुझे भी गूंगा बना दूंगा। ये आजकल के चोर उचक्के टपोरी मुझसे क्या आंख मिलाएंगे? अजीत सिंह का नाम सुना है तुम लोगों ने? वो स्मगलर अजीत सिंह। कल मुझे दारू के अड्डे पर मिल गया, मैंने भी मौका नहीं छोड़ा, दबोच लिया उसे। पहले तो अकड़ने लगा, फिर जब माथुर साहब के 2-2 किलो के दो हाथ 4 बार उसके चेहरे पर पड़े, तब गिड़गिड़ाने लगा, हेकड़ी भूल गया, रिश्वत की बातें करने लगा। मैंने कहा, अरे भैया इतनी दौलत कहाँ है तेरे पास जो तू इस माथुर की ईमानदारी को खरीद सके। पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। माथुर साहब, क्या है बे? इंस्पेक्टर विजय साहब आए हैं। वो आपको याद कर रहे हैं। उलझ गया होगा किसी केस में, उलझ गया होगा। उसकी गुत्थी मैं सुलझा कर आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना है। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए माथुर साहब, कहाँ हैं आप? जी वो शेर, शेर के पंजे से शिकार छूट सकता है, लेकिन हमारे विजय साहब के पंजे से मुजरिम कभी नहीं छूट सकता। यही बात मैं एक अखबार वाले को समझा रहा था। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको मुझ पर? टैलेंटेड लोगों पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, उनके सामने कभी नहीं बैठता। बैठिए ना। बड़ी ना बात है, सीनियर जो है वो वर्दी पे लगे बिल्लों से सीनियर नहीं बनता। उम्र और तजुर्बा इंसान को असली सीनियर बनाता है। इसमें क्या शक है? वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने माथुर साहब, कल रात जो 4 लाशें हमारे इलाके में मिली थी, उनके बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उनके कातिल को इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो 4 जो थे ना, वो जुर्म की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ओ। और उनके मरने से पुलिस रिकॉर्ड की 4 फाइलें तो बंद हो गई। तो फिर आपके हिसाब से इस पुलिस स्टेशन को बंद करके किसी इनामी योजना का दफ्तर बना देना चाहिए? बुरा आइडिया नहीं है। अच्छा, हेलो इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग।
black horse? Snow White. Okay. हो ही नहीं सकता। मेरी इजाजत के बिना कोई न्यूज बाहर नहीं जाएगी। देखिए मिस्टर, उन मासूम बच्चों के कातिल से उतनी ही नफरत मुझे भी है जितनी कि आपको। डोंट वेस्ट माय टाइम। राम राम, सोचूं वो आदमी नहीं कोई खूनी भेड़िया होगा जिसने फूल जैसे बच्चों को इतनी बेरहमी से कुचल डाला। राम कसम, अगर वो राक्षस मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। कमिश्नर साहब, मनने तो लागे के। यस विजय सर, बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तब तक मैं प्रेस वालों को, टीवी वालों को क्या जवाब दूं? ऊपर से फोन पे फोन आ रहे हैं और आप तो प्रेस ने पुलिस के निकम्मेपन का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया है। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने सारे शहर में पुलिस का जाल बिछा दिया है। बहुत ही जल्द कानून का हाथ कातिल की गर्दन पर होगा। मुझे यकीन है कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे इंस्पेक्टर साहब, पर मेरा कहना यह है कि मेरे उन मासूम और बेगुनाह बच्चों के कातिल के गर्दन में फांसी का फंदा डालने में आप ज्यादा देर ना करें। आप फिक्र मत कीजिए। घर करीब ही है, चलिए ना एक कप चाय पी लीजिए। फिर कभी, ड्यूटी पर जाना है, देर हो रही। ओके, एनीवे थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग। ओके, बाय बाय। मामा जी आज हम बहुत खुश हैं, आज कॉलेज में ये क्या मामा जी? आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटे, बस यूं ही एक बात याद आ गई थी। अच्छा बताइए क्या याद आ गया था हमारे मामा जी को? मैं सोच रहा था कि मेरी बिटिया रानी शादी के बाद जब घर छोड़कर चली जाएगी तो घर में चौंचो करने वाला कोई नहीं रहेगा, घर सुना हो जाएगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है मामा जी,
घर तो सुना हो ही जाएगा। एक काम करते हैं मामा जी। वो क्या? हम दूल्हा ही ऐसा ढूंढेंगे जो शादी के बाद भी हमारे साथ में रहे। वो चोंचों क्या करेगा और हम चेंचे क्या करेंगे। चोंचों चेंचे चोंचों। तारा, इतनी बड़ी हो गई पर अक्ल अभी तक नहीं आई। जी माई बाप। तो तू नहीं मानेगा कि तूने चोरी की? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। तो ठीक है, तो तेरे पर मर्डर का केस थोप देते हैं। नहीं साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मर जाऊंगा। रेप का केस थोप देते हैं। नहीं साहब, अब कोई ना कोई केस तो थोपना पड़ेगा ना भैया, या मर्डर या रेप या फिर बॉम्ब ब्लास्ट। नहीं साहब, मैं चोरी ठीक हूँ, मैं चोर हूँ, मेरा बाप चोर है, मेरे बच्चे चोर है। ठीक है, तो तू कबूल करता है ना कि तूने चोरी की? हाँ साहब, मैंने चोरी की है। ले जाओ इधर, लॉकअप में बंद कर दो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर माथुर स्पीकिंग। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इंस्पेक्टर विजय से आप मेरी बात करा दे तो। अरे उससे बात कर क्या करेंगी आप? अरे वो तो बड़ा बेकार है, नादान है, नाकारा आदमी है, आपके कोई काम का नहीं है। आप जैसी मीठी आवाज वाली को मुझसे बात करनी चाहिए। जी मुझे उन्हीं से कुछ जाती काम है। यानी पर्सनल बात? अरे क्यों अपने आप को बुरे वक्त में डालना चाहती हैं आप? 8-8 दिन तक वो आदमी नहाता नहीं है। और तो और एक राज की बात बताऊं, ऊपर से बहुत जल्द 2 हफ्ते में उसे नौकरी से निकालने वाले हैं। किसको नौकरी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं माथुर साहब? अरे उसे विजय। आ गए विजय साहब, आ गए। आप उन्हीं से बात कर लीजिए, लगता है होने वाली भाभी का फोन है, मैं चलता हूँ। जा 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 जा। हेलो, मुझे पहचाना विजय? जी नहीं, मुलाकात इतनी छोटी तो नहीं थी कि तुम मुझे बिल्कुल ही भूल जाओ। बाय द वे, मैं करीना बोल रही हूँ। ओह, तो आप हैं, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? कल मेरा जन्मदिन है भाई, मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। ऐसे नहीं, घर आकर मुबारकबाद दीजिए तभी कबूल होगी। सॉरी, मजबूरी है, ड्यूटी पर हूँ। आपकी ड्यूटी में इतना वक्त तो मिल ही सकता है कि आप एक दोस्त की खुशियों में थोड़ी सी देर के लिए शरीक हो जाएं। अब और कोई बहाना ना बनाइएगा। मेरा एड्रेस बहुत ही आसान है, बरार विला, बंगलो नंबर 27, जुहू तारा रोड। हेलो, वेलकम विजय साहब, वेलकम। मेरा दिल कहता था, मेरा विश्वास मुझे धोखा नहीं देगा। अरे भाई, लगता है मैं कुछ जल्दी आ गया हूँ। यहाँ ना तो कोई मेहमान है ना। मैंने जिसे बुलाया था वो तो आ गया, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? वैसे भी विजय, इस शहर में मेरी जान पहचान कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा? और जिनसे है वो लोग मेरी खुशियों में शामिल होने के काबिल नहीं। थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं आपकी इस खुशी में शामिल हो सकूं। लेकिन करीना, सच तो यह है कि आपकी और मेरी जान पहचान भी कुछ ज्यादा तो नहीं। मैं तो आपको तब से जानती हूँ जब पहली बार मैंने अखबार में आपका फोटो और बहादुरी के चर्चे पढ़े थे। मैंने तो वो देखते ही कह दिया था कि करीना, तेरा आइडियल इंस्पेक्टर विजय ही है। सच? अरे अब... छोड़ के न जा।
इंस्पेक्टर के सीने पर जब गोली चलाई, तुम बीच में क्यों आई? क्योंकि विजय ने कपड़ों के अंदर बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखा था। पर तुम बीच में क्यों आई? वो गोली उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती, और मेरे घायल होने की वजह से विजय को ये शक भी नहीं हुआ कि हमला करने वालों से मेरा कोई संबंध है। तुम वाकई ही बहुत समझदार हो। इसी तरह उसे अपने हुस्न के जाल में उलझाए रखो। हम दुश्मन को ढील जरूर देते हैं, लेकिन उसे कभी माफ नहीं करते। बिग मैन, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपने दुश्मनों को ढील तो देनी चाहिए, लेकिन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आज की शाम अपने चाहने वालों के नाम। चाहने वाले के नाम। चीयर्स। शबाब देखोगे तब जानोगे, कहाँ कहाँ खिलते हैं गुलाब, छुओगे तब जानोगे। बेटी, देव से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। जी बाबा। तुमने शराब पी है? शराब नहीं, जहर पिया है देव। जहर तुम्हारे लिए। जहर पी के तो लोग मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते, तुम्हारी तरह। तुम क्या मुझे जिंदा समझते हो देव? जय
चली जाओ यहां से। तुम्हारी जबान से अब मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं। तुम मेरी पूजा नहीं हो, मेरी पूजा मर चुकी है, मर चुकी है मेरी पूजा। नहीं देव, मैं ही तुम्हारी पूजा हूँ, मैं ही तुम्हारी पूजा हूँ देव। तुमने तो पूजा जैसे पवित्र शब्द को भी गंदा कर दिया है। साथ साथ जीने, साथ साथ मरने के वादों को तुमने चांदी के चंद सिक्कों के लिए यूं भुला दिया है जैसे हम कभी मिले ही ना थे, वादे कभी किए ही ना थे। तुम्हारा ये रूप देख के यूं लगता है कि तुम्हारे तन पे बिग मैन का नाम लिखा हुआ है। नहीं देव, मेरी आत्मा पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। ये झूठ है, ये गलत है। तुमने मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें जिंदगी का वो ऐश और आराम नहीं दे सकता था जब बिग मैन ने तुम्हें दिया। तुमने अपने प्यार का सौदा करके अय्याशी का सामान खरीदा है। तुम बेवफा हो, बेगैरत हो, बेहया हो। बस करो देव, बस करो। औरत सब कुछ सह सकती है मगर ये इंसान नहीं सह सकती। अरे तुम क्या जानो औरत क्या चीज होती है। औरत मिटना जानती है, मिटाना नहीं। औरत प्यार करना जानती है, प्यार का सौदा करना नहीं। औरत जिसे एक बार अपना ले वो उसके लिए इंसान नहीं रहता, भगवान बन जाता है। औरत का जिस्म तो बिक सकता है मगर उसका दिल नहीं बिक सकता, उसके प्यार का मोल नहीं लगाया जा सकता। और मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा भगवान सिर्फ तुम हो देव, तुम हो, तुम हो। बदजात, हमें धोखा देने से पहले लोग हजार बार सोचकर अपने इरादे बदल देते हैं और तूने इतनी बड़ी जुर्रत करने की हिम्मत की। औरत की सबसे बड़ी हिम्मत होती है किसी गैर मर्द के आगे अपने जिस्म से कपड़े उतारना। जब मैं वो कर बैठी हूँ तो अपने महबूब से मिलने की हिम्मत उसके आगे कुछ भी नहीं। खामोश, दो टके में बिकने वाली, लगता है आज तेरे दिल में मौत का खौफ नहीं रहा। मौत का खौफ? तू क्या मुझे जिंदा समझता है? मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन अपनी मोहब्बत की हिफाजत की खातिर मैंने अपनी गैरत को तेरे आगे डाल दिया था। अब तो ये बेजान जिस्म बचा है, जितना चाहे जुल्म कर ले पर याद रख उसके बाद भी इस बेजान जिस्म से एक ही आवाज आएगी, मेरा प्यार अमर रहे, तेरी मोहब्बत अमर रहे, तेरा महबूब सलामत रहे। दीदी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? होश में होती हूँ तो देव को भूल नहीं पाती, नशे में होती हूँ तो उसकी याद और बढ़ जाती है। तो चलो दीदी, देव को लेकर गांव वापस लौट जाते हैं। बिग मैन की मर्जी के बगैर ये नामुमकिन है। ना? मुन्ना बेटे, अरे मेरा राजा बेटा इधर बैठा है। ये देख मैं तेरे लिए क्या ला रहा हूँ, पानी की बोतल, ये खाने का डिब्बा, इसमें मिठाई भर कर देंगे, ये सब किताबें। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा। चल ये सब चीजें तेरी मम्मी को दिखाते हैं, खुश हो जाएगी वो भी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुन्नी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं आपने, मगर आपके सपने पूरे नहीं होंगे, नहीं होंगे। ऐसा क्यों कह रही हो? टीचर ने कहा है इस शहर में उनके स्कूल का बहुत बड़ा नाम है, वहां सिर्फ इज्जतदार घरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, एक स्मगलर का बच्चा नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ पाएगा।
तुम इसे प्रिंसिपल कौन है? मैं हूं प्रिंसिपल। क्या चाहते हो अजीत सिंह? जवाब उस सवाल का जो मेरी पत्नी से स्कूल में पूछा गया। मैं पूछता हूं, आपके स्कूल में कोई स्मगलर का बेटा नहीं पढ़ सकता? आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं क्या उनके माँ बाप दूध के धुले? ठीक है, मैं बदमाश हूं, स्मगलर हूं, लेकिन मेरा बेटा तो मासूम है। प्रिंसिपल, इससे पहले कि वो जुर्म के अंधेरों में गुम हो जाए, मैं उसे तालीम की रोशनी से जगमगाना चाहता हूं। अजीत सिंह, मत भूलो कि तुम्हारे कर्मों की परछाई तुम्हारे बेटे के साथ चलेगी। जो सवाल मेरे स्कूल में तुम्हारी पत्नी से पूछा गया, कल वही सवाल बड़ा होकर तुम्हारा बेटा तुमसे पूछेगा। क्या जवाब दोगे तुम उसे? तुम्हारे बुरे कर्मों की कालिख तुम्हारे बेटे के माथे का कलंक नहीं बन जाएगी? वो एक स्मगलर का बेटा है, क्या ये बात उसके सर को शर्म से नहीं झुका देगी? कभी तुमने ये भी सोचा है कि तुम्हारे कर्म औलाद के रास्ते में फूल बिखेर रहे हैं या कांटे? क्या डायलॉग मारता है प्रिंसिपल! मैं तुम्हारे लफ्जों के हेरफेर में आने वाला नहीं। एक बात सुन ले प्रिंसिपल, अगर मेरे बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो मैं ये स्कूल बंद करा दूंगा। यहाँ किसी का बेटा पढ़ने नहीं आ सकेगा। अरे आप आ गए? क्या कहा प्रिंसिपल ने? मुन्ने का एडमिशन हो गया? यही पूछते पूछते मुन्ना भी सो गया। एक कप चाय ले हो मेरे लिए। अजीत सिंह, मत भूलो कि तुम्हारे कर्मों की परछाई तुम्हारे बेटे के साथ चली। वो एक स्मगलर का बेटा है, क्या ये बात उसके सर को शर्म से नहीं झुका देगी? कभी तुमने ये भी सोचा है कि तुम्हारे कर्म औलाद के रास्ते में फूल बिखेर रहे हैं या कांटे? तुम्हारा ये मनाने का स्टाइल बहुत पुराना है। आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। ओफो डार्लिंग, घर वाले और बाहर वाले सबसे छुप छुपा के आना पड़ता है। प्लीज। तुम्हारी इसी अदा ने तो पागल कर दिया है। अब तो सोते जागते उठते बैठते तुम्हारा ही चेहरा आंखों के सामने दिखाई देता है। सच? जिधर जिधर आए तुही नजर, अब तुमसे छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है। हम दीवाने हो जाएंगे ऐसा लगता है। अब तुमसे छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है। हम दीवाने हो जाएंगे ऐसा लगता है। नजर मिला के नजर चुराना अच्छा लगता है। हम दीवाने हो जाएंगे ऐसा लगता है। तुमको चुरा के दूर कहीं ले जाए, अपनी लबों पे तुमको सजा के हम रात दिन गुनगुनाए। चलता रहे यू ही ये दिल का कारवा, यू ही रहे सदा अपनी
तुमसे छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है, हम दीवाने हो जाएंगे ऐसा लगता है। नजर मिला के नजर चुराना अच्छा लगता है, हम दीवाने हो जाएंगे ऐसा लगता है। बाहों में ले लो जुल्फों से खेलो, अरमा मचलने लगे हैं। बढ़ती ही जाए ये बेपरारी, हम तुम बहकने लगे हैं। ये मेरे रात दिन तेरे हुए सनम, तेरे बिना नहीं जीना। तुमसे छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है, हम दीवाने हो जाएंगे ऐसा लगता है। नजर मिला के नजर चुराना अच्छा लगता है, हम दीवाने हो जाएंगे ऐसा लगता है। ये तेरे प्यार का कैसा हुआ असल, ये जो कोने वाला प्लॉट है हमारी फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाय अंकल, हाउ आर यू डैड? वेरी बैड। अरे मेरे जिगर के टुकड़े, कभी तो अपनी भाषा बोला कर। हाउ आर यू डैड? बड़ा खुश दिखाई दे रहा है आज, थोबड़े पे चमक कैसी है? जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो चेहरे पर चमक आ ही जाती है। बाय डैड। बाय अंकल। बाय डैड। देखा, लगता है साहबजादे को प्यार हो गया किसी लड़की से। अच्छा, नहीं, अरे मेरा चश्मा दे मुझे। अरे दादा बेटी, मेरा चश्मा, अरे चश्मा दे मुझे। क्या वादा कीजिए मामा जी? अरे मेरे यार, मुझे चश्मा दे, दिखाई। अच्छा बाबा, ले ले, मेरी माँ वादा किया कि डॉक्टर की सलाह मानूंगा, आराम करूंगा, तुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा और किताब भी नहीं पढ़ूंगा। मेरी माँ, अब तू मुझे मेरा चश्मा वापस कर दे। मेरा चश्मा। और आप ये भी वादा कीजिए कि आप मरने वाले बच्चों को कभी याद नहीं करोगे। नहीं तारा बेटे, नहीं, ये बात मेरे बस में नहीं है। वो मरने वाले बच्चे इस देश का भविष्य थे, पर वो जालिम उनको कुचलता हुआ मेरी आंखों के सामने से चला गया और मैं बेबस रहकर कुछ भी नहीं कर सका। मैं देखता रह गया और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं भाई साहब, नहीं कर सका। भाई साहब संभालिए, अपने आप पे काबू रखिए। भाई साहब, भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी ये विधवा बहन किसके दरवाजे पे जाएगी? इस यतीम बच्ची के सर पे कौन हाथ रखेगा भाई साहब? नहीं मीना बहन, आप दोनों तो मेरी जान हैं और जान कभी जिस्म से अलग नहीं हो सकती। चलो मान लेते हैं कि हम आपकी जान हैं, पर चश्मा आपको फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों भाई, अब क्या बात है? कल हमारा जन्मदिन है और शॉपिंग अभी तक नहीं हुई। अरे हम आज ही अपने बिटिया रानी को शॉपिंग करवा देते हैं। प्रॉमिस? थम प्रॉमिस। ठीक है, हम आपके लिए नाश्ता लाते हैं, तब तक आप टीवी देखिए। अरे लेकिन मेरी माँ, ये चश्मा तो देती जाए। ओ चश्मा, किताब तो नहीं पढ़ोगे? नहीं मेरी माँ, किताब नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ टीवी देखूंगा, सिर्फ टीवी। आइए आइए विजय साहब। कैसे हैं? ब्रिज जी, ये प्रिंसिपल साहब हैं। प्रिंसिपल साहब, ये ब्रिज गोपाल जी हैं। आपके बताए हुलिये के मुताबिक ये उस शख्स का हूबहू चेहरा बना देंगे। इनकी मदद से हमने कई मुजरिम पकड़े हैं। देखिए ब्रिज गोपाल जी, मुझे उस
आदमी का चेहरा बखूबी से याद है। चेहरा उसका जरा लंबा सा था और आंखों पर उसने अब तो उसका पूरा हुलिया समझ गए होंगे आप। जी मैं बिल्कुल समझ गया। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप ऐसा कीजिए प्रिंसिपल साहब, आप कल इसी वक्त आ जाइए, मैं आपको तस्वीर दे दूंगा। भाया वाह, बहुत बढ़िया कलाकार हो, क्या फोटो बनाई है भाई। इसे तो मैं अपने दफ्तर के अंदर लगा के रखूंगा। अरे जरूर सेठ जी जरूर, लेकिन इस तस्वीर के साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ी है। कहानी? भाई सुनने का टाइम तो नहीं है, लेकिन कहानी सुनने का मुझे बचपन से ही शौक है। सुनाओ। कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक ट्रक वाले ने स्कूल के बच्चों को कुचल डाला था। हाँ भाया पढ़ा तो था, क्या वो दरिंदा पकड़ा गया? नहीं अभी तक नहीं, मगर उस दरिंदे की एक झलक एक आदमी ने देखी थी और उसी के हुलिया बयान करने पर मैंने ये तस्वीर बनाई है। शुभ शुभ बोलो भाया, ये तुम क्या कह रहे हो? शुभ शुभ ही हो, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ सेठ जी। देखो भाया, मैं दिल का कमजोर आदमी हूँ, अगर ऐसा कुछ हो गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 5 लाख रुपया दे दें तो मैं आपके फोटो के नए नक्श ऐसे बदल दूंगा कि वो आपकी फोटो लगेगी ही नहीं। अरे वो फोटो वाले, तू मन्ने को ब्लैकमेल करना चाहता है? बिल्कुल नहीं सेठ जी, लेकिन आपके ऊपर जो मुसीबत मंडरा रही है ना, उसको हटाने की कीमत चाहता हूँ। देखो भाया, तुम भी अच्छे आदमी हो, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। लेकिन इससे पहले के नमस्कार सेठ जी, मैं लोक सेवा के लिए निकला था, सोचा आपसे ही शुरुआत करूं। आपकी तारीफ। ये हमारे दोस्त हैं, आप ही की तरह समाज सेवक हैं। अच्छा अच्छा नमस्कार। देखो दोस्त, तुम्हारा काम कल हो जाएगा, लेकिन विरोधी पार्टी में किसी को बताना मत। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हैं सेठ जी, धन्यवाद जी, नमस्ते जी। नमस्कार। बहुत भले आदमी है, चंदा मांगने आए थे, मैंने कहा कि कल तुम्हारा काम कर ही दूंगा। हमें बहुत पैसा चाहिए, जल्दी अमीर बनना है। तो पेंटर साहब, आजकल पेंटिंग छोड़कर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया है क्या? जल्दी बंगला बनाने का इरादा है क्या? अरे नहीं जी, मैंने तो कुछ हेलो पुलिस, दरवाजा खोलिए। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। खबरदार जो आगे बढ़ा। ए! Come on, fast. और इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडे यहीं से भाग कर गए, उनके हाथ में तलवारें भी थी। चलो चलो। ब्रिज गोपाल की मौत के पीछे जरूर उस गुंडे का हाथ होगा जिसका आपने हुलिया बताया था। मगर उस गुंडे को पता कैसे चला कि मैंने इसे? प्रिंसिपल साहब, बदमाशों की 2 नहीं 4 आंखें होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर उस खूनी को आपके सामने लाया जाए तो क्या आप उसे पहचान सकेंगे? हजारों में भी खड़ा कर दिया जाए तो मैं इन गुंडों को पहचान जाऊंगा। आज सुबह सुबह तैयार होकर कहां जा रहे हैं?
बेटी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, कुछ लोगों की शिनाख्त करनी है। हेलो, प्रिंसिपल खन्ना का घर है ये? जी हाँ, आप कौन? प्रिंसिपल खन्ना को फोन दो। किसका फोन है बेटी? आपसे कोई बात करना चाहता है। मुझसे? हेलो, गौर से सुनो प्रिंसिपल, अगर तुमने पुलिस स्टेशन में तस्वीर बनाने वाले के कातिल को पहचानने की जरूरत की तो याद रखो, तुम्हारी लाश को कोई नहीं पहचान पाएगा। क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम? बर्बादी जो तुमसे शुरू होकर उस लड़की तक पहुंच जाएगी जिसने अभी अभी मेरे साथ फोन पर बात की है। जिंदगी में थोड़ा सा फासला रह गया है प्रिंसिपल, अब भी अपना बयान बदल दे, पुलिस के हाथ लगने वाली उस सीढ़ी को काट दे जिसके जरिए वह मुझ तक पहुंच सकती है। इंकार किया तो बहुत खौफनाक मंजर देखना पड़ेगा तुझे। उन मासूम बच्चों की मौत से ज्यादा खौफनाक मंजर और क्या हो सकता है दरिंदे? मेरे इरादों की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं जो तेरे थप्पड़ों और धमकियों से डगमगा जाए। मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, कत्ल हो सकता हूं, लेकिन अपना बयान नहीं बदल सकता। और याद रख, जब तक मैं तुझे तेरे जुल्मों की सजा नहीं दिला देता, तेरी और मेरी ये जंग जारी रहेगी। जंग में तो फिर सब कुछ जायज है प्रिंसिपल, मौत भी और जिल्लत भी। अगर तू चाहता है कि ये दोनों चीजें तेरे हिस्से में ना आए तो अब भी तुझे मौका देता हूं, अपना बयान बदल दे। आंखों से जो कुछ देखा था उसे अपनी कमजोर नजर का बहाना बनाकर गलत साबित कर दे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जहां इतनी जाने चली गई है वहां ये दो और चली जाए तो कोई परवाह नहीं। तू जुल्म बढ़ाता जा, हम सब्र बढ़ा लेंगे, मिट जाएंगे हम, लेकिन तुझको भी मिटा देंगे। फिर भी जीत नहीं पाएगा, हम तुझको हरा देंगे। अब देख तमाशा। फरियाद न कर बेटी, उन माओं को देख जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे इस हत्यारे ने मार डाले हैं। चला गोली, जालिम चला गोली। सुन लिया? हमारे हौसलों का सर कट तो सकता है लेकिन तेरे आगे झुक नहीं सकता। अरे औरत पर हथियार उठाने वाले कायर, मर्द है तो मेरे सीने पर गोली चला। नहीं नहीं प्रिंसिपल नहीं, अगर तुम मर गए तो बयान कौन बदलेगा? मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुमने बयान बदलने की रजामंदी नहीं दी तो इस बार गोली तुम्हारी बहन के बाजू पर नहीं
सीधी दिल पर लगेगी। एक, दो, तीन। जवानी की पहली सीढ़ी पर खड़ी है, इसे जवानी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा दो। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, कौन थे ये लोग, कौन थे ये लोग? प्रिंसिपल साहब, आप ठीक है ना? आप मारा तूने? पेंटर का क्यों कर दिया? नहीं बताऊंगा। कौन? क्यों कर दिया? बोल। बोल, पता कौन है वो जिसने प्रिंसिपल के परिवार को तबाह किया? बता, बोल, बताओ, बोल, बोल, पता कौन है वो? बोल। नहीं प्रिंसिपल साहब, मुझे बताइए कौन है वो। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। माथुर साहब, एक बात तुम मान गए, आपकी ईमानदारी को कोई खरीद ही नहीं सकता। अरे इसमें क्या शक है? लेकिन फर्ज कीजिए, अगर कोई सुंदर सी कन्या आपके सामने आ जाए तो? अरे तो क्या, 1000 निर्वस्त्र कन्याएं इस माथुर के सामने खड़ी कर दीजिए, जिनके बदन संगे मरमर से तराशे हुए, जिन्हें देखकर पत्थर भी पिघल जाए। आप तो फिर? अरे नहीं, ये माथुर टस से मस नहीं होगा। पिछले जन्म में मैं विश्वामित्र था। विश्वामित्र? हाँ। लेकिन मेनका ने तो उसको क्लीन बोल कर दिया था। हाँ, मैं उस विश्वामित्र की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किसकी बात कर रहे हो? मैं उस विश्वामित्र की बात कर रहा हूँ जो मैं था। सेंचुरी बैट्समैन, टिका रहेगा लेकिन आउट नहीं होगा। गए मिस्टर, मैं भी चला। आ,
माथुर, ओ मेरे माथुर। कौन है आप? मेरे प्यारे माथुर, तुम्हारी मेनका। मेनका? और मैं विश 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 कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे माथुर, मुझे कंप्लेन लिखवानी थी। क्या कंप्लेन है आपकी? कितनी गर्मी है यहाँ। बहुत। मैं काम करती हूँ, ये उतार दे। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? पुलिस स्टेशन है आप यहाँ? ठंडा मंगवाओ, ठंडा मंगवाओ आपके लिए। तुम तो वैसे ही ठंडे हो माथुर। मैं? नहीं नहीं, मैं तो बहुत। आओ मैं तुम्हें ठंडी जगह ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ। ठंडी जगह? आओ भी। मैं तुम और ठंडी जगह। क्या कर रही हैं? ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? ठंडी जगह में। ठंडी जगह? मैं तो बहुत ही। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? प्यारे हो माथुर। हेलो बिग मैन, मैं टोनी बोल रहा हूँ। टोनी, तुम बाहर कैसे निकला है? जिस लड़की के हाथ से आपने चाबी भिजवाई थी वो मुझे मिल गई है और मैं पुलिस लॉकअप से भाग आया हूँ। लड़की? चाबी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये जरूर कोई पुलिस की चाल है। चाल? ठीक है, तुम हमारे पास चले आओ। धानेकर? यस सर। अपनी चाल तो एकदम सक्सेसफुल निकली। यस सर। टोनी सीधा अपने बॉस के पास ही जाएगा। बल्लू, रतन सेठ, अच्छा सिला तूने मेरे खाना लिखा। टोनी, कौन थे वो? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? रतन सेठ, उसको छोड़ना नहीं इंस्पेक्टर। उसको छोड़ना नहीं इंस्पेक्टर। विजय, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रतन सेठ को बरसों से जानता हूं। उस शरीफ आदमी का जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। एक कलयुग है कलयुग कमिश्नर साहब, यहाँ सब कुछ हो सके है। रतन सेठ, क्या बात है, इतने घबराए हो क्यों? क्या बताऊं कमिश्नर साहब, मारा तो जीना मुश्किल हो गया है। घर में टेलीफोन की घंटी नहीं मौत की घंटी बजे है। कोई गुंडा बार बार फोन करके धमकी देवे है कि मन्ने 1 करोड़ रुपया रोकड़ा दे दे, नहीं तो तारे बेटे को उठा के ले जाऊंगा। उसने मारे को 24 घंटे की मोहलत दी है, कल किसी वक्त भी फोन करेगा। ना रात को नींद आवे है ना दिन को चैन। हमारे घर में पुलिस का पैरा बिठवा दीजिए कमिश्नर साहब। घबराओ नहीं रतन से, हमारे होते हुए कोई तुम्हारे बेटे की परछाई को भी नहीं छू सकता। जी इंस्पेक्टर विजय। यस सर। फौरन इनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब। इंस्पेक्टर साहब जरा जल्दी इंतजाम करवा देना, अब मैं जाके भोलेनाथ के मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। राम राम। क्यों इंस्पेक्टर विजय, अगर इस आदमी का ताल्लुक जुर्म की दुनिया से होता तो क्या यह इस तरह गिड़गड़ाकर हमसे मदद मांगने आता? यह इंस्पेक्टर वो खतरा है जो दिन ब दिन हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। इसे अपना दीवाना बना ले, जब तेरी दीवानगी में यह मस्त होकर झूमने लगेगा तो मेरे आदमी इसकी मौत बन जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिग मैन, लेकिन वर्दी वालों को मारना इतना आसान नहीं है। जाने मन, मौत बिल्कुल आसान हो जाएगी जब तुझ जैसी खूबसूरत लड़की उस पर अपनी जुल्फों का जाल डाल देगी। एमएस,
इस तरह बीच सड़क पर गाड़ी रोक कर आराम नहीं किया जाता। अपनी गाड़ी हटाइए। मैं आराम नहीं कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। इंतजार किसका? ट्रैफिक पुलिस का? तुम्हारा। अरे तुम, ये क्या मजाक है? क्या करती, फोन करके पुलिस स्टेशन के चक्कर काट के थक गई, तो तुमसे मिलने का यही रास्ता सूझा। अगर आपने इसी तरह रास्ता रोक कर रखा तो मुझे आपको अंदर करना पड़ेगा। अरे जब सैया भाई कुतवाल, तो फिर डर काहे का? अरे डर काहे नहीं मैडम, आप तो मेरी नौकरी टन टनाटन करने पर तुली हैं। अरे जिनके दिल टन टनाटन हो गए हों, उन्हें नौकरी की परवाह नहीं रहती। मैडम पब्लिक प्लेस है। ओ पब्लिक प्लेस, तो फिर चले। कहाँ?
तारा कैसी है? मुझे तारा के पास ले चलिए। मैं तारा बेटे, आपने बहुत जिद की थी इसलिए मैं आपको यहां लेकर आया, पर इसकी हालत इतनी खराब है कि ये किसी को देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है। ये अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। प्रिंसिपल साहब, कहां जा रहे हैं आप? उस दरिंदे को खत्म करने जिसने हमारी ये हालत बनाई है। लेकिन हम यहां आपकी ड्यूटी पर हैं, हम आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। तो आप भी चलिए मेरे साथ, आज मुझे उस कातिल के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं इंस्पेक्टर। ये काम आपका नहीं, पुलिस का है। क्या किया है आपकी पुलिस ने? मेरे बच्चे कुचल दिए गए, मेरी बहन को गोलियों से भूत डाला गया, मेरी भांजी तारा को उन दरिंदों ने, आप देख रहे हैं उसका हाल इंस्पेक्टर, आप देख रहे हैं उसका हाल। मैं उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल साहब, कोई सामने मत आना मेरे, प्लीज कोई सामने मत आना, मैं कह रहा हूं। रतन, प्रिंसिपल बेवकूफ, बिग मैन को मारना इतना आसान नहीं। ये देख, बुलेट प्रूफ जैकेट। तू जोश में होश गवा बैठा है प्रिंसिपल खन्ना। तू मेरी मौत बनकर नहीं बल्कि खुद मौत के मुंह में चला आया है। मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। शेरा, प्रिंसिपल खन्ना की लाश हमारी बैठक में पड़ी है, इसे गाड़ी में डालकर पहाड़ी के नीचे फेंक दो ताकि इसे एक्सीडेंट का केस समझा जाए। बिग मैन, प्रिंसिपल बच तो गया है लेकिन कोमा में चला गया है और उसे होश आने में वक्त लगेगा। प्रिंसिपल का मरना बहुत जरूरी है। तुम विजय के पीछे साई की तरह लगी रहो और उसकी हर हरकत से हमें वाकिफ करती रहो। काम तो मुश्किल है बिग मैन, क्योंकि विजय साहब ने पहरा और भी सख्त कर दिया है। विजय साहब? मेरा मतलब है इंस्पेक्टर विजय। विजय साहब, बोलो, करीना पर कड़ी नजर रखो और मालूम करो कि ये इंस्पेक्टर विजय करीना के लिए साहब कब से बन गया। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम अपनी मम्मी से हमारी शादी की बात कब करोगे? क्यों, हम दोनों इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? एक काम करते हैं, उस तरह मिलते हैं। उस तरह? हाँ। क्या मतलब है? बताओ 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 बताओ। Thank you.
ये बारिश का पानी मुझे लेके डूबा, मुझे लेके डूबा ये बारिश का पानी। छम छम छमा छम 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 छमा छम। हाँ ये बारिश का पानी मुझे लेके डूबा, मुझे लेके डूबा ये बारिश का पानी। फिदा मार गया मुझे सावन। ये बारिश का पानी मुझे लेके डूबा, मुझे लेके डूबा ये बारिश का पानी। बेटे माँ ये वो हाँ हाँ मुझे पता है, ये करीना है जिसके बारे में तू हमेशा बातें किया करता है। आ बेटी। अरे तू तो बिल्कुल भीगी हुई है, चल मेरे साथ अंदर, मैं कुछ कपड़े दूँ तुझे बदलने के लिए। और माँ तू गर्मा गर्म चाय बना, मैं अभी आया। अभी आया? अरे माँ अपनी गाड़ी जो खराब हो गई ना उसको ले आता हूँ। ओह ठीक है, चल बेटी। अरे विजय। हाँ माँ। तू भी कपड़े बदल कर जाना, नहीं तो तुझे भी सर्दी लग जाएगी। हाँ ओके मॉम। अच्छा सुन, क्या है माँ? मुझे करीना पसंद है। काम तो मुश्किल है बिग मैन, क्योंकि विजय साहब ने पहरा और भी सख्त कर दिया है। Hey!
जल्दी करो, करीना को भी अपने साथ ले लेते हैं। आओ चलो बेटे। करीना अब तक तैयार नहीं हुई। अरे करीना तुझसे मिलकर नहीं गई? मुझसे मिलकर? मैं समझा नहीं। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बिस्तर पर नहीं है, मैं समझी तुझसे जरूर मिलकर गई होगी। अरे ताजुब है, बिना आपसे मिलकर, बिना मुझे बताए कहाँ चली गई?
गुड मॉर्निंग मिस्टर महेश। इतनी सुबह सुबह क्या बात है? आपसे कुछ खास काम है। आइए। इंस्पेक्टर विजय जी, हमें खबर मिली है कि आप कानून का कवच पहनकर ब्राउन शुगर की स्मगलिंग करते हैं। क्या? जी हाँ, इसीलिए मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो मेरे बेटे का रिकॉर्ड देखा है। अपनी जान की बाजी लगाकर कानून की हिफाजत करने वाले एक ईमानदार इंस्पेक्टर पर आप ब्राउन शुगर की स्मगलिंग का ये घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। आई एम सॉरी माँ जी, ये मेरी ड्यूटी है और ये रहा सर्च वारंट। ठीक है, आप तलाशी ले सकते। साहब, बेडरूम में कुछ नहीं मिला। साहब, ऊपर वाले कमरे में कुछ नहीं मिला। आइए। सॉरी विजय, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। इट्स अ ड्यूटी। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ओके। छोड़ दे मुझे कमीने, तूने मेरी बहन की जान ले ली। मैं तेरे खून से आज अपनी प्यास बुझा कर ही रहूंगी। प्यास तो हम बुझाएंगे आज। अच्छा हुआ कि तू यहाँ चली आई। अब तेरी बहन के बदले तेरा फर्ज है कि तू हमारा दिल बहलाए, हमारा ख्याल रखे। एक बार मुझे छोड़ दे, फिर देख मैं क्या करती हूँ। खर्चे पानी की परवाह मत कर, एक बार मेरी बात मान ले, राज करेगी राज। चल अब मेरी कैद में आ जा। अजीत सिंह, उसका पता चल गया है, कल वो हेल्थ क्लब में मिलेगा। मुझे क्यों मार रहे हो? बता तेरे बॉस का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। बता तेरे बॉस का नाम क्या है? तेरे पास का नाम क्या है? कौन है जिसने प्रिंसिपल और उसकी फैमिली को खत्म किया है? बता। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम साले? उस हरामजादे का जो भी नाम है उससे कह देना कि मौत ने उसका पीछा शुरू कर दिया है। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में बच नहीं पाएगा। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ हो तुम? वो जहां भी है खैरियत से है मिस्टर अजीत सिंह। आप कौन है जी? कौन है आप? सुना है जब इंसान के सामने उसकी मौत आती है तो उसे पहचान लेता है। ताजुब है तुमने हमें नहीं पहचाना। तुम्हारी बातों से दरिंदगी की बदबू आ रही है। एक बात सुन लो, हम वो मर्द हैं जो मौत का स्वागत मेहमान की तरह करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? नाम सुनोगे तो कांपने लगोगे, क्योंकि जलजले का दूसरा नाम बिग मैन है। ओहो, तो आप हैं बिग मैन, वही बिग मैन जिसका मोहरा मुझसे पिट कर गया है। मेरे पिटे हुए मोहरे ने बताया कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो, इसीलिए खुद अपने पैरों पर चलकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। लगता है चलकर वापस जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा। तुम जलजला नहीं, जल्लाद हो। स्कूल के बच्चों को मार डाला, प्रिंसिपल की बहन को खत्म कर दिया, प्रिंसिपल की भांजी की इज्जत लूट ली, तूने उस देवता के हंसते खेलते संसार को उजाड़ डाला। तुम संसार वाले भी अजीब प्राणी हो, देवताओं को धरती पर बुलाकर
खामखा उन्हें कष्ट भोगने पर मजबूर करते हो। अरे भाई, देवताओं की जगह धरती पर नहीं, ऊपर होती है। इसीलिए उस देवता को ऊपर भेजने का इंतजाम मैंने कर दिया है। ये सुई देख रहे हो, इसमें जहर है। प्रिंसिपल के शरीर में चुभते ही वो संसार के सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा, और ये मुक्ति तुम खुद उसे अपने हाथों से दोगे। बकवास बंद कर हरामजादे, मेरे होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खबरदार, मेरी निशा को खराश भी आई तो फाड़ के रख दूंगा। सुनो अपने बेटे की आवाज। बजा मम्मी पापा, ये लोग मुझे मार रहे हैं। बजा बजा मम्मी पापा, ये लोग मुझे मार रहे हैं। बजा 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 मम्मी पापा, बजा पापा, मम्मी बजा, मार रहे हैं लोग। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मुन्ने को कुछ मत कीजिए, उसके बदले मेरी जान ले लीजिए, मेरा मुन्ना। अहिंसा परमो धर्म, हम तो किसी को नहीं मारना चाहते। मरने और मारने का फैसला तुम्हारे पति के हाथ में है। अपने पति से कहो कि प्रिंसिपल साहब के ऊपर इस जहरीली सुई का इस्तेमाल करे, तुम्हारा मुन्ना बच जाएगा। ये दरिंदा हमारे मुन्ने को मार डालेगा। अगर मेरे मुन्ने को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप कुछ कीजिए, उसे मार डालिए, इस आदमी को मार डालिए। आप यहाँ? जी, वो प्रिंसिपल साहब। वो तो होश में नहीं है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? वैसे इजाजत तो नहीं है, लेकिन चलिए। मत भूलो कि तुम्हारे कर्मों की परछाई तुम्हारे बेटे के साथ चलेगी। तुम्हारे बुरे कर्मों की कालिख तुम्हारे बेटे के माथे का कलंक नहीं बन जाएगी। कभी तुमने यह भी सोचा है कि तुम्हारे कर्म औलाद के रास्ते में फूल बिखेर रहे हैं या कांटे? कैसे हो माथुर? ठीक हूं सर। विजय, मैं जानता हूं कि इस मर्डर केस में तुम्हारा दूर दूर तक कोई हाथ नहीं, लेकिन कानून की मजबूरियां तुम तो बखूबी समझ सकते हो। आई अंडरस्टैंड सर, आपने मेरी जमानत दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। यह एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि एक काबिल ऑफिसर को सच्चाई पर से पर्दा उठाने का मौका दिया है। सर, ये मौका नहीं, इम्तिहान है।
और इस इम्तिहान में खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुन्ना, निशा, मुन्ना, निशा, 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 तू ठीक है? तू ठीक है ना निशा? ठीक है ना? इन जालिमों ने हमारे मुन्ने को मार डाला। ना निशा, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकूंगा, मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकूंगा। एक वचन देना होगा उन जालिमों से, हमारे मुन्ने की मौत का बदला लेना, मेरी मौत का बदला लेना। वादा करो। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? माँ, माँ, विजय, विजय, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में बिग मैन का हाथ था, और वो मेरी बहन थी जिसकी लाश तुम्हारी गाड़ी में मिली थी। और सच्चाई जानने के बावजूद भी तुम पुलिस स्टेशन नहीं आई? हाँ, शायद इसलिए कि मैं बेकसूर साबित हो जाता जो तुम नहीं चाहती थी। अरे तुम तो चाहती हो कि मेरी वर्दी उतर जाए, मैं दुनिया की निगाहों में गिर जाऊं। इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला घोट दूं, तुम यहां से चल जाओ। आई हेट यू, आई हेट यू। अरे करीना, क्या हुआ बेटी? माँ जी, माँ जी, वो विजय, 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 करीना। माँ, तुम नहीं जानती उसके बारे में। मैं सब जानती हूँ विजय, करीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन तू कुछ नहीं जानता कि उसकी जिंदगी भी खतरे में है। देख, उस मासूम को अगर कुछ हो गया ना, तो उसका खून तेरे सर पर होगा। विजय, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जा, जाकर उसे मना ले, उसे मना ले विजय, तुझे मेरी कसम। आज रात छोड़ के न जा, थोड़ी देर और ठहर जा, दिन न चढ़े रबाए, दिन न चढ़े रबाए, थोड़ी देर और ठहर जा, कल जो होगा अब होने दे, जब दिल बोले तब होने, देर और ठहर जा। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब। रतन सेठ, पाया पाया, मैं तो बर्बाद हो गए हो, लुट गए हो, तारे होते हुए मारे जिगर के टुकड़े को बिग मैन उठा के ले गए हो। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, और फिरौती में वो बिग मैन 5 करोड़ रुपया मांगे है। अरे 5 करोड़ तो क्या, मैं तो 50 करोड़ दे दूं, लेकिन उसकी दूसरी शर्त मैं कभी ना मानूं। दूसरी शर्त? वो कहवे है कि रोकड़े के साथ साथ प्रिंसिपल खन्ना को भी साथ लेकर आओ। अब आप ही बताओ कि मैं एक शरीफ आदमी की जिंदगी को दांव पर कैसे लगा दूं? अगर खन्ना साहब का राम नाम सत्य हो गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। कमिश्नर साहब, अब आप ही मुझे इस परीक्षा की आग में जलने से बचाइए ना। इस परीक्षा की आग में तो हमारा डिपार्टमेंट भी जल रहा है रतन सेठ। उस बिग मैन ने हमारे सबसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर विजय
और उसकी फ्रेंड करीना को भी अगवा कर लिया है और उनके बदले में हथियारों का जखीरा चाहता है। आए आए राम बलि करे, अब क्या होगा? जो भी हो, विजय और दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हजारों लोगों की मौत का सामान यानी कि हथियार नहीं दिए जा सकते। यू आर राइट मिस्टर महेश, अगर हमने बिग मैन की नाजायज मांगे पूरी कर दी तो उसका हौसला और बढ़ जाए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि बिग मैन ने उन लोगों को कहां कैद कर रखा है। अरे भाया, खाक पता लगाओगे? वो साला बिग मैन कदम कदम पर हमको मात देता जा रहा है, कानून को अपनी जेब में डालकर खिलौने की तरह खेल रहा है और हम सब अपाजों की तरह उसकी नई चाल का इंतजार कर रहे हैं। हेलो, बिग मैन बोल रहा हूँ। बिग मैन, बिग मैन, जरा हम भी तो सुने क्या बोल रहा है बिग मैन। हमें पता है हमारे खिलाफ खुफिया मीटिंग चल रही है, अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो लाशों के टुकड़े करके तुम्हें भेज दिए जाएंगे, समझे? मन्ने तो समझ में नहीं आवे कि ये खुफिया मीटिंग चल रही है कि क्या है, ये है क्या? वो साले बिग मैन को कैसे पता चला कि हमारी खास मीटिंग चल रही है? मन्ने तो लागे हम में से जरूर कोई आस्तीन का सांप है जो छुप छुप के हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है। कौन है वो कमीना, कौन है वो गद्दार जो बिग मैन के हाथों बिका हुआ है? कौन है वो? तुम हो, तुम हो, तुम हो या मैं हूं? कौन है वो? कमिश्नर साहब, अब तो मेरा आप लोगों पर से भरोसा उठता जा रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो राम कसम मैं आप में से किसी को माफ नहीं करूंगा, किसी को भी माफ नहीं करूंगा। रिलैक्स सेठ जी, रिलैक्स, शांत हो जाइए और धीरज से काम लीजिए। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, बस आप रुपया और हथियार लेकर प्रिंसिपल साहब के साथ उनकी बताई हुई जगह पर चले जाइए। नहीं भाया, ये तो हमारे से ना होगा, मन्ने तो बड़ा डर लगे है। डरो नहीं रतन सेठ, उनकी जिंदगी बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मेरा दिल तो धौकड़ी की तरह धक धक धड़के है। भाइयों, मैं ठहरा व्यापारी आदमी, मेरे को जोखिम की आग में क्यों धकेल रहे हो आप लोग? सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा कीजिए, पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है, मैं सब संभाल लूं। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, तुम? अरे अरे जरा संभाल के। प्रिंसिपल साहब, सारी बातचीत के साथ साथ मारे बेटे को भी बिग मैन उठा के ले गया, दोनों की जान बड़ी खतरे में है। ये बिग मैन कितना कमीना आदमी है, ये तारे से बढ़कर और कौन जाने है? जो कहता है वो कर दिखाता है। कमिश्नर साहब, ये ना ना ना, ऐसा ना करना। प्रिंसिपल साहब, मैं तारे हाथ जोड़ता हूँ, तुमने पहले भी उसके साथ टकराने की कोशिश की थी और उसने तारे सारे खानदान का सत्यानाश कर दिया था। अब वक्त बर्बाद मत करो, मेरे साथ चलो। आप तो जानते ही हो बिग मैन को, वो बहुत जालिम है, बहुत ही जालिम है। वो जो कहता है कर दिखाता है। प्रिंसिपल साहब, रतन सेठ ठीक कह रहे हैं, आप घबराइए मत, पुलिस बराबर आप दोनों पर निगरानी रखे रहेगी। इस बार हमारे बिछाए हुए जाल में बिग मैन चूहे की तरह फंस जाएगा। इंस्पेक्टर, बिग मैन के पंजे से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है।
हेलो बिग मैन, काम हो गया। वेरी गुड। प्रिंसिपल खन्ना का स्ट्रेचर ऊपर लेके जाओ। ओके सर। देखा प्रिंसिपल, किस तरह पुलिस के चक्रव्यूह से निकाल कर ये बिग मैन तुझे मौत के मुंह में ले आया है। ना ना ना, इस तरह परकटे परिंदे की तरह फड़फड़ाकर अपनी ताकत जाया मत कर, इसे संभाल कर रख, क्योंकि मौत से पहले अभी तुझे कई बार तड़पना है। तड़पना तो तुझे पड़ेगा बिग मैन, उस मछली की तरह जिसके दरिया का सारा पानी अचानक उसका साथ छोड़ जाता है। और अगर खुद को उस तड़प से बचाना चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि अगर कानून के रखवाले तुझ तक यहां पहुंच गए ना तो तेरे चिथड़े चिथड़े उड़ा कर रख देंगे। यहां जो भी आएगा कुत्ते की मौत मारा जाएगा, क्योंकि इस वक्त तू जहां पर है वहां सिर्फ बिग मैन का कानून चलता है, और बिग मैन के कानून के सामने तुम्हारे ईश्वर का कानून भी नहीं चलेगा। ये ईश्वर का कानून ही है कि मौत तेरे सर पर मंडरा रही है और तुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि तू उन पापियों में से है जिनका धर्म सिर्फ पैसा ही होता है, और पैसे की खातिर वो अपनी मां बेटी और बहन तो क्या देश तक को दांव में लगाने को नहीं हिचकिचाते। प्रिंसिपल, जब खुद पर चोट लगती है तो सिस्कारी निकल ही आती है। तूने वो कहावत तो सुनी होगी बिग बहन, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। अब तू भी उसी कागार पर पहुंच चुका है, तेरा विनाश अब निश्चित ही है। विनाश मेरा नहीं, विनाश उन लोगों का निश्चित है जो बिग मैन के रूप को जानते हैं, पहचानते हैं। और उसके बाद जिंदा रहेगा रतन सेठ, एक शरीफ इज्जतदार बिजनेसमैन, और लोग ये कभी नहीं जान पाएंगे कि बिग मैन और रतन सेठ एक ही सिक्के के दो रूप हैं। बिग मैन सुनी भेड़िए, रूप बदल लेने से बदन की भू नहीं बदलती, अब भी वक्त है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। Shut up! रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, शेर की खार में आकर शेर को ही धमकाते हो। भूलना ना सर, गन तो खाली है। कानून के सामने तुम जैसे शेर की कोई हैसियत नहीं, चूहा बन जाते हैं। अपने आदमियों से कह दो हथियार नीचे फेंक दें। ए, हथियार नीचे फेंक दो। विजय, विजय खत्म कर दे इसको, खत्म कर दे इस राक्षस को। इंस्पेक्टर, बिग मैन को छोड़ दो वरना इस लड़की को गोली से उड़ा दूंगा। शेर आखिर शेर ही रहता है गधे। क्यों प्रिंसिपल, मुझे मरवाने की बहुत जल्दी थी ना? मरेगा तू और तेरी मौत का खेल तेरी भांजी से शुरू होगा। अमन, ये क्या कर दिया मैंने? अमन बेटे, अमन बेटे, पिताजी आप, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? अमन बेटे, यह है बिग मैन। हाँ बेटा, ये गुनाहों की दुनिया का बिग मैन है। बिग मैन
नाम से तो बिग मैन है मगर काम इसने हमेशा घिनौना और घटिया किया है। कई बेगुनाहों के खून से हाथ रंगे हैं इस बिग मैन ने। नहीं नहीं, इनकी बातों में मत आना। ये जो कह रहे हैं झूठ है, गलत है पिताजी। जब पीतल की अंगूठी से सोने का पानी उतर जाता है तो असलियत सामने आ ही जाती है। बिग मैन, रुक जाओ तारा, रुक जाओ तारा, ये तुमने क्या किया तारा, ये तुमने क्या किया, रुक जाओ। ये वही दरिंदा है जिसने मुझे तुम्हारे काबिल नहीं छोड़ा, मुझे अपवित्र कर दिया। मैं इस पापी को जिंदा नहीं, नहीं तारा, नहीं नहीं नहीं। जिस तरह गंगा लोगों के पाप धोकर भी अपवित्र नहीं होती, तुम आज भी मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र हो। हाँ तारा हाँ। देख रहे हो बिग मैन, ईश्वर का कानून देख रहे हो? अरे तुम्हारे कानून के रहते भी तुम्हारे जुल्म का शिकार तुम्हारे ही घर का इतिहास बनेगा, तुम्हारी बहू बनेगी ये। खामोश हरामजादे। जहन्नुम में जाने की पूरी तैयारी है तुम्हारी, बहुत दम है ना तेरे कानून में, बहुत ताकत है ना तेरे कानून में। आगे मत बढ़ना वरना इसके गर्दन काट दूंगा। तुम्हें माफ कर दूं? साले केस मुंह से माफी मांग रहा है। तूने एक भी पुण्य किया होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। तूने तो पाप ही पाप किए हैं, भयंकर पाप। मर्द औरत तो एक तरफ, तूने तो मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। मैं चाहता तो तुम्हें कानून के हवाले भी कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। आज तो तुम मरोगे, हर हाल में मरोगे, क्योंकि ये मौत विधाता ने तुम्हारे लिए नहीं लिखी, ये मौत तुमने खुद अपने कर्मों से लिखी है।
तुमने तो लोगों के झटके में मौत दे दी। जरा अपनी मौत का नजारा देख, देख नीचे झुक के, मौत क्या होती है। हाँ ये बारिश का पानी मुझे लेके डूबा, मुझे लेके डूबा ये बारिश का पानी।